अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैमरा के कनेक्टर्स को टीवी की केबल की तार के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह है आपकी टीवी की केबल की तार, इसे RG6 केबल कहते हैं। और इसके साथ आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने एक और तार जोड़ी हुई है। ये मैं पावर कैमरे को पावर देने के लिए जोड़ी है, और उसके आगे मैंने ये कनेक्टर सा लगाया हुआ है। बेसिकली इस कनेक्टर की दो तारें होती हैं, एक रेड और एक ब्लैक। आप रेड को पॉजिटिव और ब्लैक को नेगेटिव समझेंगे और इनको जोड़ देंगे, और सप्लाई में भी जो पॉजिटिव होगी वो रेड वायर को जाएगी इस तार से होकर, और ब्लैक वायर नेगेटिव को केबल की तार की तरफ आते हैं। वैसे आमतौर पर CCTV केबल्स में RG59 केबल यूज़ होती है, ये RG6 केबल है। RG59 केबल की जो सिग्नल की रेंज है वो कम है, यानी वो ज़्यादा दूर तक सिग्नल उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, लेकिन RG6 केबल में उससे थोड़ी ज़्यादा रेंज तक सिग्नल ट्रांसफ़र हो सकते हैं, CCTV कैमरा से DVR तक। और जो कनेक्टर्स हैं वो ये रहे, इन्हें BNC कनेक्टर्स कहते हैं, आप देख सकते हैं। और इसके लिए आपको एक कटर चाहिए होगा, टेप चाहिए होगी, ये ब्लेड चाहिए होगा, डिजिटल मीटर चाहिए होगा, और ये टूल अब मुझे इसका नाम भूल गया है। अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो कटर से भी काम हो जाएगा। सबसे पहले आप अपना BNC कनेक्टर और अपनी केबल की तार लेंगे, और आप देखेंगे कि आपको कितना छीलना है। आप यहाँ तक रख के देखेंगे और इसे थोड़ा सा ज़्यादा इसकी ऊपर वाली कवरिंग छील देंगे। ये कटर से भी हो सकता है, लेकिन चूँकि मेरे पास ये टूल है इसलिए मैं इससे ही करूँगा। मैं इसको इसके दूसरे सुराख में रखूँगा, एक दो दफ़ा घुमाऊंगा, फिर इसको मोड़ूंगा थोड़ा सा, और इसी कवरिंग को उतरना शुरू हो जाना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस टूल का ये फ़ायदा है कि अंदर की तार को डैमेज नहीं करता। फिर उसके बाद आपके पास ये सिल्वर की वायर आ जाएगी, इसको आपने यूँ पीछे की तरफ मोड़ते जाना है और देखना है कि कोई भी तार आगे ना बचे। फिर इसी नीचे ये सिल्वर की, मेरे ख्याल में सिल्वर की एक कोटिंग सी आ जाती है, आपने इसको भी छीलना होगा क्योंकि इसके अंदर एक और वायर होगी कॉपर की। आप फिर अपना BNC कनेक्टर लेंगे और आप अंदाज़ा लगाएंगे आपको कितनी छीलनी है। यहाँ तक मिसाल के तौर पर हमने छीलनी है। हम फिर अपना टूल लेंगे और इसको इस दफ़ा मैं तीसरे सुराख पर रखूँगा। ये टूल मेरे पास आया कहाँ से, ये अगर आप RJ45 क्रिम्पर लेंगे तो ये उसके साथ आता है, जो आप नेटवर्क केबल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। 12-1-2 इसे आराम से मोड़ेंगे और छीलेंगे, और अंदर की आपको कॉपर की वायर नज़र आ रही होगी। आपने देखना है कि आराम से इसके अंदर पूरी आ जाएगी या नहीं। जैसे देख सकते हैं इसके अंदर एक सुराख है, आपने देखना आ रही है तो ठीक है, अगर थोड़ी सी कमी है तो हम इसे थोड़ा सा और छील लेते हैं। अगर ज़्यादा भी छील गई तो कोई बात नहीं, हम कटर से काट लेंगे फालतू तार को। फिर से अपना BNC कनेक्टर लेंगे और इसके अंदर डाल के देखेंगे। जैसा कि अब आप देख सकते हैं हमसे फालतू छिल गई है, तो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कटर लेंगे और अंदाजन थोड़ी सी तार काट देंगे। फिर उसके बाद इसको इसके अंदर लगाएंगे, और अब आराम से आ रही है। अब इसके बाद जो हमने ये सिल्वर की तार पीछे की थी, अब हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे इस तरह करके। जब तकसीम कर देंगे हम इसे ट्विस्ट करना शुरू कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये सिल्वर की तार इस कॉपर की वायर के साथ टच ना करें, क्योंकि इससे आपके कैमरे की सिग्नल ख़राब हो जाएंगे। अगर आपने वीडियो देखनी जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि आप प्रो लाइन की जो CCTV वायर है उसके साथ कैसे कनेक्शन करते हैं और कैमरा को कैसे जोड़ते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है,
और उसका बॉक्स अभी ऊपर आएगा तो उसमें भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये हो गया, अब आपने दोबारा देखना है कि कहीं कोई तार इस तार के साथ जुड़ तो नहीं रही। नहीं, तो अच्छी बात है, डबल चेक कर लें क्योंकि इस कनेक्टर को बार बार कौन खोलेगा। उसके बाद आपने अपना ये BNC कनेक्टर लेना है, इसके अंदर इसको डालना है कॉपर की वायर को, और आपने एक रफ़ सा अंदाज़ा लगाना है कि ये जितनी भी फालतू तार है इसको काट देना है कटर से। दूसरी तरफ भी यही करेंगे, फालतू तार को काट देंगे। ये थोड़ी सी रह गई, इसको भी काट देते हैं। उसके बाद फिर ट्विस्ट करना है एक दफ़ा, फिर आप एक दफ़ा चेक कर लें कोई तार जुड़ तो नहीं रही। नहीं, अब आप अपनी ये टेप लेंगे, इलेक्ट्रिकल टेप या ये जो आम टेप जिससे आप गेंदों पे चढ़ाते हैं वही वाली टेप है ये। आपने अपना कनेक्टर लेना है, उसको इसके अंदर डालना है, और आपने टेप को इस ऊपर वाली जगह पे पहले लगाना है, इसका बिल्कुल सिरा। फिर आपने जो नीचे वाली, इसको यूँ बेंड करना है और इसके ऊपर सही टाइट करके टेप को चढ़ाना है। देखिएगा कि ये लूज़ ना हो। फिर आपने इसको भी करना है इस तरह, और इस तरह करके चढ़ाना है, और ऐसे यूँ हो जाए जब। फिर आप टेप को आराम आराम से कस कस के पीछे की तरफ लेके आए इस ब्लैक वायर के पास, ये जो इसकी कवरिंग है, ताकि ये सही सिक्योर हो जाए। ऐसे फिर आपने इसे वापस एक तरफ दफ़ा लेके जाना है। दोस्तों ये वीडियो लंबी हो गई, लेकिन इससे आपको हर चीज़ तरतीब से समझ आ रही है क्या करना है और कैसे करना है बिल्कुल ठीक तरीके से। इसके बाद जब आपको लगे कनेक्शन सिक्योर हो गया है, फिर आपने इसको कटर से काट देना है। फिर अब आपने इसको लगाने से पहले चेक करना है कि ये कनेक्शन सही लगे, कहीं हमसे गलती से कहीं वो दोनों तारें जुड़ तो नहीं गई सिल्वर की और कॉपर की। उसके लिए आप ये डिजिटल मीटर इस्तेमाल करेंगे, इसको आपने कंटिन्यूटी पे रखना है, ये इसका निशान बना हुआ है। और इसका ये फ़ायदा है, अगर तो वो दोनों तारें आपस में जुड़ रही होंगी तो ये इस तरह बोलने लग पड़ेगा, और अगर नहीं जुड़ी होंगी तो ये कुछ भी नहीं बोलेगा। आपने इस मीटर के एक इसको क्या कहते हैं, आप कनेक्टर को बाहर रखना है, और एक को इस अंदर वाली मेटल के साथ जोड़ना है, बाहर वाले के साथ नहीं। अगर तो ये नहीं बोल रहा, जो कि ये नहीं बोल रहा, इसका मतलब है हमारा कनेक्शन बिल्कुल सही है और वो दोनों तारें आपस में जुड़ नहीं रही। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये अंदर रखता और बोलने लग पड़ता, इसका मतलब है वो दोनों तारें जुड़ रही थी और हमें अपना कनेक्शन पूरा खोल के दोबारा लगाना पड़ता। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक भी कैमरे के कनेक्टर को केबल की तार के साथ जोड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। और अगर आप और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।